दोस्तों नमस्कार। स्मार्ट सिटी बरेली के दफ्तर के सामने खुली हुई एलन क्लब सब्जी मंडी के सामने हम मौजूद है। ये मुख्य द्वार मेरे सामने देख रहे हो एलन क्लब सब्जी मंडी का। इसमें रोजाना सुबह से लेकर शाम तक सब्जी लेने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इसके पड़ोस में एक नाला बहता है जो मैं कैमरे की नज़र से दिखाना चाहूँगा। आसमान से पानी बरसेगा, राहत मिलेगी, लेकिन धरती पर बरेली की क्या कयामत होगी तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल नाले का नज़ारा मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखा रहा हूँ। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जूम करके नाले की हालत दिखाएं, जिससे बरेली के लोग देख पाए कि किस तरीके से नालों की सफाई हुई है। बरसात से पहले हर बार नालों की सफाई हो जाया करती थी। नालों पर उगी हुई घास मेरे कैमरे की नज़र से देख रहे होंगे। ये ग्रीन घास कहीं जमीन पर नहीं बल्कि नाले की कीचड़ के ऊपर जमी हुई है, जिससे साफ जाहिर है कि नाले की सफाई लंबे अरसे से नहीं हुई है। ये नाला बहुत दूर नहीं नगर निगम से, ये देख रहे होंगे नगर निगम की एक बिल्डिंग, आलीशान बिल्डिंग, यही बैठती है नगर निगम की सर्वोच्च अधिकारी IAS निधि गुप्ता बस। उनके अधीनस्थ काम करती है अधिकारियों कर्मचारियों की लंबी चौड़ी फौज। सुबह 5 बजे से निकल जाते हैं कर्मचारी हालात देखने, शहर का सफाई व्यवस्था देखने, लेकिन कितनी साफ हुई है, पॉलीथीन मुक्त हुई है बरेली। और मैं एक और नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए जूम करके कि किस तरफ मंडी के गेट के सामने पॉलीथीन पड़ी हुई है कचरे के रूप में, जिसकी सफाई नहीं होती। यानी स्वच्छता के दावे तो बहुत हो रहे हैं, नीचे भी देख रहे होंगे स्वच्छता के दावे बहुत हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, रैलियां निकाली जा रही, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही कि नालियों के अंदर कूड़ा कचरा ना डालें। लोग मान भी रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग खास तौर से नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधीनस्थ कर्मचारी सफाई नायक इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, कितने संजीदगी से, कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसका जीता जागता नमूना है एलन क्लब सब्जी मंडी और उसके आसपास फैली पन्नी, चौक, नाले, नालों के अंदर उगी घास। हम दिखाएंगे आपको शहर के और भी नज़ारे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। नगर निगम बरेली के गेट के ठीक सामने ये नाला आप देख रहे होंगे, ये एलन क्लब सब्जी मंडी के बराबर का नाला है, जिसमें घास उगाई है, कीचड़ कूड़ा करकट लंबे अरसे से डंप है, जिसकी वजह से पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। इसके ठीक बराबर में बना हुआ है सुलभ शौचालय, जिसके हालात आप कैमरे की नज़र में देख रहे होंगे। किवाड़ गल चुकी है, उसके बाहर पड़ा रहने वाला कूड़ा नहीं उठता है, टाइल्स डैमेज हो चुकी हैं, साथ ही साथ शौचालय के आसपास भी इस कदर अफरा तफरी और ख़राब माहौल है, जिसे देखने के बाद आप खुद समझ रहे होंगे कि कितनी सफाई होती है। RRR सेंटर बना था, जहाँ पर कुछ दिन तो शटर खुला, बाद में अब कूड़ा कचरा पड़ने लगा है, ठेला खड़ा हुआ, आप देख रहे होंगे कि कैसी सफाई नगर निगम के गेट के ठीक सामने एलन क्लब सब्जी मंडी के पास में होती है। यहीं पर खुलता है बहुत चौड़ा आकर नाला, जिसके हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर गंदा भरा हुआ बदबूदार सड़ान भरा नाला, जो यहाँ सब्जी लेने आने वाले लोगों के लिए भी मुसीबत बन चुका है। देखिए नाले का भी हाल कि किस कदर यहाँ पर गंदगी इस नाले के अंदर भरी हुई है, जिस पर घास उगाई है, सफाई नहीं होती है। ये मंडी का मुख्य द्वार है और साथ ही साथ नगर निगम की बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, आलीशान बिल्डिंग, जिसे हम जूम करके भी आपको दिखा रहे हैं। यहीं बैठते हैं बड़े बड़े अधिकारी और महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम। आने वाले दिनों में क्या होगा।